दिल्ली में फाइनली मॉनसून ने दस्तक दे दी। आज बहुत ही अच्छा मौसम था और मेरे लिए तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि मेरा जो ये एक्सपीरियंस था ये शायद एक ही बार ही लाइफ में करने को मिलता है। आई होप मुझे दोबारा मौका मिले, बट आज का दिन बहुत सुपर था मेरे लिए। आई सॉ पीएम मोदी लाइव और उनका अराउंड एक घंटे का स्पीच था। सो इट वॉज MSME डे ऑन 27th ऑफ जून और आज हमने सेलिब्रेट किया उद्यम भारत, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं आते ही सबसे पहले वॉशरूम में गई। मैं पूरी भीग गई थी, इतनी तेज़ बारिश थी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होने के कारण हमें अंदर बैग्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं थे। मैंने गलती करी, हमें पेपर मिला था एक इनविटेशन के साथ कि बैग्स आर नॉट अलाउड, बट फिर भी मैं एक छोटा बैग ले गई थी अपने साथ, जिसको बाहर रख के आने के चक्कर में मैं भीग गई। मुझे दो बार बाहर जाना पड़ा, उन्होंने सिर्फ मुझे वॉलेट अलाउ किया, वो भी पूरा चेक करके कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। एंड वॉलेट जब उन्होंने मुझे अलाउ किया अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि उसमें ID प्रूफ था, तो उस पर भी उन्होंने स्टिकर लगाया दैट दिस इज़ वेरीफाइड एंड चेक्ड। और इसके साथ ये था विज्ञान भवन का एंट्रेंस। तो एंटर करते ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम था, नाश्ता था, खाने पीने के कुछ आइटम्स थे और ये इतना सुंदर लग रहा है विज्ञान भवन अंदर से। ये बाहर वाला हॉल है जहाँ पर गैदरिंग होती है, लंच या डिनर। ऑलमोस्ट 9:40 और 10 बजे से इवेंट शुरू है, सो आई एम फिनिशिंग माय टी एंड यहाँ लाइन लगनी शुरू हो गई है फॉर द एंट्री। वी गो इनसाइड एंड शो यू एवरीथिंग दैट हैपेंड। अब हम आ गए हैं विज्ञान भवन के मेन हॉल में, जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1000 लोगों की है एट वन पॉइंट। यहाँ PM के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। जो सेव सॉइल का इवेंट हुआ था जिसमें सदगुरु एंड मोदी जी केम टुगेदर, वो इवेंट यहीं पर हुआ था, इसी हॉल में, इसी स्टेज पर। ये है मेरा दिल्ली की पहली बारिश में भीगा हुआ इन्विटेशन कार्ड। ये इन्विटेशन कार्ड मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैंने अपने बिज़नेस को MSME में रजिस्टर करा रखा है, मतलब मेरे पास अपने बिज़नेस का उद्यम सर्टिफिकेट है और मैं इंडिया SME फोरम की भी मेंबर हूँ। तो मुझे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आया था कि उद्यमी भारत एक इवेंट होने वाला है जिसमें PM मोदी आएंगे और वो कुछ स्कीम्स हैं जिन्हें लॉन्च करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अगर आप इस इवेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर दीजिए। और मैंने रजिस्टर किया, दे क्रॉस चेक्ड ऑल माई डिटेल्स एंड आई वॉज सिलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने आप को ज़रूर MSME में रजिस्टर कराना चाहिए, ताकि आपको भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें और आप जुड़े रहें और आप नेटवर्क कर पाएँ लाइक माइंडेड लोगों के साथ। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम। PM Modi has now arrived with a Z+ security. आइए अब कुछ highlights देखते हैं कि PM Modi ने actually इस meeting में क्या कहा। के हमारे सभी सदस्य, देश के अलग-अलग राज्यों से आए हुए मंत्रियों, देश भर के MSME सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जन, हमारे यहाँ बचपन से एक श्लोक सिखाया जाता है और ये श्लोक हम सबने सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। सोचने वालों की कभी नहीं होती। इस श्लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा
कि एमएसएमई के उद्यम से भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित रैन योजना में अगले 5 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रैन से हमारे छोटे छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को आसानी से MSME आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की GDP के लिए। और जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, जितने ज़्यादा नए बिजनेसेस आएंगे, उतना ज़्यादा इंडिया के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को, विनर्स को एक्चुअली अवार्ड्स भी मिले, जिन्होंने हैकेथॉन 2022 में पार्ट लिया था। इनके बिजनेस आइडियाज, बिजनेस मॉडल्स इतने अच्छे हैं दैट दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड टेकिंग इंडियाज नेम एट अ ग्लोबल लेवल। सो वी टुक इंस्पिरेशन फॉर देम एंड PM सेड दैट नेक्स्ट ईयर वी हैव टू वर्क सो हार्ड दैट वी शुड बी गेटिंग दिस अवार्ड। उसके कारण उसका जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बना होगा, परिवार में उसकी जो इज्जत बनी होगी, समाज में उसकी इज्जत बनी होगी, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती। साथियों, एमएसएमई सेक्टर भले ही पूरी तरह से फॉर्मल ना हो, लेकिन एक्सेस टू क्रेडिट फॉर्मल रहा, भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाले इस पहलू की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करते। और इसमें हम 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको पहले माइक्रो फाइनेंस जीडीपी में, हमारे भारत के जीडीपी में हमारा एमएसएमई का योगदान 30% है। और इसमें काफी सही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो समझते कि एमएसएमई के उद्योग लगाए, रोजगार लोगों को देने के बाद पर कैपिटल इनकम भी बढ़ सकता है, जीडीपी बढ़ सकता है, और जीडीपी बढ़ने से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। इस कोशिश में हम लगे रहते हैं, लोगों को सम्मान करने का मौका दें और जो ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन किया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार फिर धन्यवाद। लोगों ने निकलना भी शुरू कर दिया PM के जाते ही। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, इट वॉज अ वेरी नाइस एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।